So, इस में हम लोग करेंगे जो कि 11th क्लास का है, के के लिए, IT main और advanced के लिए। और और इस में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे करना है, कुछ ग्राफिकल फॉर्म है वन डी कोलिचन टू डी कोलिजन इलास्टिक कोलिचन इन इलास्टिक कोलिचन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिचन रेस्टिट्यूशन तो इस लेक्चर में और इसके बाद भी एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट रिजल्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है आईडीएम yeah. uh, में, में बहुत क्वेश्चन आता है एडवांस में है नीट में है बोर्ड एग्जाम के लिए खूब अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन देखिए कोलिजन कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट पहला लाइन है आइसोलेटेड इवेंट जैसे कोलिजन आप समझ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ एक दूसरे से कोलेक्ट करना लड़ना जैसे कि रोड रोड पे जो होता है एक्सीडेंट होता है तो रोड पे एक्सीडेंट होता है एक कार दूसरा कार दोनों एक दूसरे से कोलेक्ट कर जाता है हिट कर जाता है दोनों एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन होता है उसमें तो ये एक आइसोलेटेड इवेंट है बहुत कम होता है रेयर है मतलब आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत कम आइसोलेटेड जैसे हजारों गाड़ियाँ रोड पर चल रहा है बट कोलिजन क्या होता है एक दो के बीच में होता है ठीक है तो ये एक बहुत कॉमन इफेक्ट नहीं है कोल इवेंट नहीं है ये एक आइसोलेटेड इवेंट कहेंगे आप ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और इसमें ग्राफिकल फॉर्म भी स्टार्टिंग भी, में ग्राफ से भी आया हुआ है एडवांस का क्वेश्चन ऐसे तो पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं सो नंबर वन सो डिफाइन करना है तो नंबर वन फर्स्ट पॉइंट कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इवेंट ये एक आइसोलेटेड इवेंट है आइसोलेटेड का मतलब बहुत कम हजारों के बीच में लाखों के बीच में एक इवेंट है रोड पे गाड़ियां चल रहा है लाखों गाड़ी चल रहा है बट कोलिजन एक दो में ही होता है तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच लार्ज फोर्स एक्सेस फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कुछ सेकेंड के लिए जैसे गाड़ियाँ टकराता है तो कुछ सेकेंड के लिए दोनों पे एक्सेस फोर्स लगता है मैं ग्राफिकली भी उसको प्रेजेंट कर दूंगा कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच लार्ज फोर्स एक्ट बिटवीन टू दो ब्लॉक को लाइट करेगा उधर तो टू ब्लॉक्स और मोर भी ब्लॉक्स होता है तीन चार गाड़ियां एक साथ भी हिट हो जाता है तो ये टू और मोर ब्लॉक्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो छोटा सा डिफिनेशन है छोटा सा डिफिनेशन में आप रिलेट करेंगे कि रोड्स पे लाखों गाड़ियाँ चल रहा है बट उसमें से लाखों में से एक दो ही कोलिजन होता है एक दो गाड़ी में ही जस्ट हेड ऑन कोलिजन या बैक साइड से कोलिजन जो होता है उसमें तो ये एक आइसोलेटेड इवेंट है मोस्ट कॉमन इवेंट नहीं है ये एक आइसोलेटेड है लाखों हजारों के बीच में एकाक बार ऐसा होता है आइसोलेटेड इवेंट है इस इवेंट में लार्ज एक्सेस फोर्स लगेगा बिटवीन टू और मोर अगर दो गाड़ी टकरा रहा है तो दोनों के बीच में तीन चार गाड़ियां टकराता है जैसे फॉग अभी है कोल्ड वेदर है फॉग फॉग के केस में कई कभी -कई, -कई, कई बार हाईवे पे दस बीस गाड़ियां एक साथ टकरा जाती हैं ठीक है तो पीछे से कई गाड़ियां आते हुए जस्ट एक दूसरे से हेड हेडउन कोलिजन करने लगती हैं तो जितने भी गाड़ी टकराएंगे तो उस सब पे एक्सेस फोर्स लगता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम टाइम के लिए तो जिसको ग्राफिकली आप प्रेजेंट करना हो तो देखिए ऐसे मान ली ये है एम वन एम वन है और ये है यू वन एस एम वन और स्पीड है यू वन और मान ली कि दूसरा गाड़ी है वो है एम टू है इसका स्पीड है यू टू यू टू ठीक है जहाँ पे यू वन यू वन जो है वो ग्रेटर देन यू टू क्योंकि अगर कोलिजन करना है तो यू वन जो है वो फास्ट रहेगा तो हम लोग बातें कर रहे हैं ये बिफोर कोलिजन ये है बिफोर कोलिजन तो अभी कोलिजन नहीं हुआ अभी दोनों के बीच में कोलिजन नहीं है ये एक कार है एम है वो हाई स्पीड से चल रहा है यहाँ स्पीड हाई है एम है एम का स्पीड यू है और यू जो हाई स्पीड है और ये स्लो स्लो चल रहा है क्योंकि कोलिजन करना है कोलिजन करने में एक का स्पीड इस पीछे वाले का स्पीड हाइट रहेगा तब जाके वो कोलेक्ट करेगा तो इनिशियली जो है यू वन हाई स्पीड है यू टू स्लो स्पीड है बिफोर कोलिजन अब ये कोलिजन हो रहा है तो देखिए उसका ये ये ध्यान रखेंगे कोलिजन आइसोलेटेड इवेंट है बहुत कम होता है ऐसे रोड पर गाड़ियाँ जो चलती हैं बहुत कम आइसोलेटेड का मतलब बहुत कम लाखों में एक आख दो कोलिजन होता है जिसके अंदर लार्ज फोर्स एक्सेस फोर्स एक्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से कोलाइट करेंगे दोनों पे एक्सेस फोर्स लगता है और फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम टाइम के लिए एक्सेस फोर्स लगता है इसमें जैसे फोर्स देखिए यह है ग्राफ जो है वो टाइम के लिए ऐसे टाइम को और यह है ग्राफ फोर्स के लिए ऐसा देखिए तो आइसोलेटेड इवेंट है कुछ ऐसा इस तरह से हमें प्रेजेंट करना होता है ऐसा ये, ये ऐसा तो ये देखिए आपका ये ग्राफिकल फॉर्म है एक्सेस फोर्स ये है लार्ज फोर्स यहाँ पे एक्सेस फोर्स लगता है ठीक है एक्सेस फोर्स दोनों पे लगेगा एक्सेस फोर्स लगता है ठीक है और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये टाइम जो है टाइम गैप बहुत छोटा सा गैप है आप समझिए यहाँ पे कि ये है एम ऑन बिफोर कोलिजन ये चल रहा है स्पीड से जहां यू वन जो है वो ग्रेटर देन आ, U2, ऐसा ये बिफोर कोलिजन और ये है एम टू ये चल रहा है स्पीड जो है इसका यू टू स्पीड ऐसा ठीक है ये है कोलिजन कोलिजन जस्ट ये 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 जो ये जो ये, ये जो टाइम 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 पीरियड हुआ है 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 यही इंटरवल पे इसी जगह पे कोलिजन होता है अब देखिए इस जोन में अभी ये हाई स्पीड से चल रहा है यू वन और ये, ये यू टू है स्लो स्लो कार चल रहा है ये पीछे से गया और कोलाइट किया ठीक है तो कोलाइट किया कोलिजन यहां पर देखिए ये कोलिजन ये इस टाइम को हम लोग बोलते हैं इधर मैं लिखते रहा इसको ये है टाइम यही टाइम जो है इंटरवल ऑफ टाइम इसको बोलते हैं कोलिजन टाइम कोलिजन टाइम अब देखिए समझिए क्या क्या हो रहा है कोलिजन में ठीक है तो इस टाइम में इस टाइम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ठीक है एक तो होता है डिफॉर्मेशन सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो लड़ते ही डिफॉर्मेशन शुरू होगा डिफॉर्मेशन का मतलब जैसे ही ये एक दूसरे से लड़ेगा इसका फिगर कुछ ऐसा होना शुरू कर जाता है इस तरह से इस तरह से ऐसे फिगर जस्ट इस टाइप का मैं बना रहा हूँ ऐसा फिगर का मतलब है कि ये इस टाइप का ऐसा ठीक है ये जो ब्लैक वाला जो हुआ एम हुआ ऐसे ये एम ऐसे और एम वन जो है वो इस टाइप का ठीक है ये ये जो लड़ेगा ऐसा दोनों आपस में लड़ा तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन ये सब डिफॉर्म होना शुरू करेगा टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू करेगा डेंटिंग आएगा जैसे एक कार है दूसरा कार है पीछे से आके धक्का लगाया तो धक्का लगाएगा तो एक और दूसरा दोनों कार में डेंटिंग होगा तो डेंटिंग होगा तो कार जो होता है थोड़ा सा जस्ट उसमें कंप्रेशन होगा इसमें भी कंप्रेशन होगा तो ये है वो एम वन एम टू इस टाइम को बोलते हैं डिफॉर्मेशन ये पीरियड हुआ डिफॉर्मेशन पीरियड डिफॉर्मेशन पीरियड में यहीं पे एक्सेस फोर्स लगना शुरू हो जाता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है रिकवरी होगा रिकवरी होने पर ऐसा फिर से देखिए ऐसे धीरे धीरे इसके अंदर रिकवरी होगा रिकवरी में फिर ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो अलग 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 इसको बोलते हैं रिकवरी पीरियड यह है रिकवरी पीरियड फिर धीरे धीरे ये इसके अंदर रिकवरी होगा वो ऐसे जगह थोड़ा-थोड़ा रिकवरी शुरू हो जाएगा और रिकवरी होते ही फाइनली फाइनली ये लोग जस्ट एम वन ये एम वन आफ्टर कोलिजन ये स्पीड पकड़ लेगा वी वन और ये एम टू एम टू जो होगा वो अलग अलग एम टू ये है स्पीड वी टू तो ये मैं एक कॉमन केस स्टडी कर रहा हूँ कि जिसमें कि इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूं कई बार इन इलास्टिक होता है कि दोनों ब्लॉक इतना तेज कोलिजन होगा कि एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाएगा तो उसको हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है सब डिस्कस करेंगे ये एक मोस्ट कॉमन केस है मोस्ट कॉमन केस की जस्ट रोड पे दो गाड़ियां हैं मूव कर रहा है जैसे पीछे वाला गाड़ी हाई स्पीड से जाकर टकराएगा टकराते ही जैसे ही ये गाड़ी इससे टकराएगा टकराते ही दोनों गाड़ी के अंदर डेंटिंग होगा डेंटिंग में दोनों गाड़ी पिचक जाएगा ठीक तो है दोनों गाड़ी के अंदर कंप्रेशन होगा तो ये है कोलिजन ये दोनों कोलिजन हुआ उस समय एक्सेस फोर्स लगता है जब वो लड़ेगा एक दूसरे से लड़ेगा तो एक्सेस फोर्स दोनों पे लगेगा एक्सेस फोर्स लगता है फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है रिकवरी होगा रिकवरी होगा रिकवरी में एक आगे चला जाएगा थोड़ा पीछे आएगा फिर उसके बाद रिकवरी होने के बाद फिर मेन रोड पे वो दोनों अलग अलग स्पीड से V1 और V2 डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं हो सकता है कि दोनों एक ही स्पीड से मूव करें तो वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक जिसके बारे में हम लोग रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे तो ये एक सिंपल कॉमन जो कॉन्सेप्ट है कोलिजन के लिए कि ये आइसोलेटेड इवेंट है एक्सेस फोर्स लगता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कोलिजन टाइम और वो कोलिजन टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है जो डिफॉर्मेशन टाइम और दूसरा को बोलते हैं रिकवरी पहले लड़ेगा लड़के डिफॉर्म टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर रिकवरी करेगा फिर फाइनली चल देगा तो ये लिखेंगे कि बिफोर कोलिजन ये है बिफोर कोलिजन वो राइट साइड है आफ्टर कोलिजन इसको आप बोलेंगे ये दो सेक्शन जो कोलिजन टाइम आपने बांटा है उसमें से आप बोलेंगे कि ये डिफॉर्मेशन टाइम डिफॉर्मेशन टाइम और इसको आप बोलेंगे रिकवरी टाइम तो रिकवरी होगा और फिर फाइनली अलग अलग स्पीड से चलेगा तो यह है एम वन यह है एम वन यह है एम टू और यह एम टू इस टाइप का तो एक्स्ट्रा एक्सेस फोर्स लगता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कोलिजन टाइम जो हुआ इस कोलिजन टाइम में भी आधा टाइम जो होता है डिफॉर्मेशन होता है आधा टाइम रिकवरी होता है फिर कोलिजन के बाद वो अपना अलग अलग स्पीड से जस्ट v1 और v2 स्पीड से चलने लगेंगे हमें कैलकुलेट करना होता है वही स्पीड v1, v2 वी टू वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इल, इलास्टिक कोलिजन है वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो पहले मुझे डिफाइन करना था कोलिजन क्या है तो एक आइसोलेटेड इवेंट है आइसोलेटेड का मतलब बहुत कम होता है आपको याद होगा केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड का मतलब मैंने बताया था कि हजारों के बीच में से एक को निकालना तो इसी तरह कोलिजन भी आइसोलेटेड इवेंट है हजारों गाड़ियां रोड पे चल रहा उसमें से एक दो इवेंट होता है जिसके अंदर जो दो गाड़ियाँ टकराएगा तो उसमें लार्ज फोर्स एक्सेस फोर्स लगता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्योंकि जैसे ही हिट करेगा कुछ सेकंड के लिए एक्सेस फोर्स लगेगा और वो एक्सेस फोर्स जो है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वो भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में एक डिफॉर्मेशन टाइम रिकवरी टाइम फिर उसके बाद रोड पर आगे चलना शुरू कर जाता है तो यह है ग्राफ कोलिजन के लिए फोर्स एंड टाइम के लिए और भी ग्राफिकल फॉर्म आपको पढ़ना हो तो कुछ ये सब बातें आप बताएंगे कुछ ऐसे बातें आप बताइए ये सब ग्राफ भी पढ़ा हुआ है कुछ जैसे आइडिया एडवांस का भी क्वेश्चन है ऐसे सिंपल पहले बातें करिए ना सिंपल बातें करिए कि मान लीजिए एक ग्रीन ट्री है ये एक ट्री है ऐसे इस पर एक फ्रूट है कोई भी फ्रूट है मान लीजिए कि एक मैंगो है एप्पल है कोई फ्रूट है और वो ड्रॉप किया यू इज इक्ल टू यहाँ से फ्रूट्स जो है वो ड्रॉप कर गया यू इज इक्ल टू ड्रॉप किया ऐसे और ड्रॉप करते हुए ऐसे आ रहा है ठीक है ऐसे ठीक है हमें यहाँ पे स्पीड चाहिए ठीक है जानते हैं सब लोग जानते हैं कि ये जस्ट डाउनलोड मोशन है डाउनलोड मोशन के लिए एसलेशन एसलेशन इज इक्वल टू जी और आप यूज करेंगे वी इज टू यू प्लस एटी तो इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जो फ्रूट्स है पका हुआ है और जस्ट वहाँ से ड्रॉप हुआ यहाँ से फ्रूट्स जो है वो इनिशियली रेस्ट में है ड्रॉप हुआ तो v इज इक्वल टू और g इन टू डी ये सब वन डी मोशन में आपका पढ़ा हुआ है कोई आपके लिए नया नहीं है तो टाइम और वेलोसिटी के लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो टाइम वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे कुछ आएगा इस टाइप का आएगा ठीक है नेक्स्ट सेम रिजल्ट अगर सेम सब कुछ सेम है वही चीज आप प्लांट का भी ले सकते हैं या सिंपल ऐसे भी बातें कर सकते हैं कि अगर ऐसा ये एक बॉल है यहां पे एक बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट तो बॉल है रिलीज करना है फ्रॉम रेस्ट यूज यू कॉल जीरो तो बॉल को हमें रिलीज करना है रेस्ट से और यूज इक्ल टू जीरो और यहाँ पे आते आते इस जगह पे हमें स्पीड चाहिए ठीक है तो वीज इक्ल टू आप जानते हैं आप जानते हैं कि वीज इक्वल टू जो हुआ यू प्लस ए टी तो आपका नीचे की तरफ एस जो हुआ वो जेन टू टी तो वीज इक्वल टू जो हो गया वो जेन टू टी ठीक है ये तो ग्राफ आप जानते हैं इसमें क्या नया कुछ तो है नहीं हम लोग वन डी मोशन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये बट अगर क्वेश्चन में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी अगर ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम का प्लॉट करना हो इसी के लिए कर लीजिए ये के फॉर काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करिए तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम के लिए के जो है वो काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फी स्क्वायर हाफ और एम V square, square, T square. ये है ये ऐसा तो कनेडिक एनर्जी और टाइम अगर आप प्लॉट करेंगे हाफ एम बे स्क्वायर टी स्क्ट कर लेंगे और ये आ जाएगा ग्राफ जो हुआ आपका पाराबोला कैनेडिक एनर्जी देख रहे हैं कि ये कानिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द टी स्क् ऐसे टी स्क्वायर होगी तो ये हुआ आपका पाराबोलिक फंक्शन हुआ पाराबोलिक फंक्शन कुछ ऐसा हो गया। पढ़ा हुआ है कोई कोई नया नहीं है सब सिंपल चीजें हैं एक्चुअली कोलिजन से एक आईटीआई एडवांस का क्वेश्चन था इस और भी पढ़ा हुआ वो भी क्वेश्चन आपको क्लास में किया हुआ है हां मैं रिपीट करना था तो समझिए यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट ये तो ये ग्लास ग्लास का बॉल है रिलीज फ्रॉम रेस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो ग्लास बॉल है रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऐसे। तो यू जगह लो जीरो यहां रिलीज करना है रेस्ट ऐसे। यह है यहां से इलास्टिक कोलिजन ठीक है यहां पे हो रहा है इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन विथ हार्ड फ्लोर विथ हार्ड फ्लोर हार्ड फ्लोर का मतलब घर में जो मार्बल uh, का फ्लोर है ग्रेनाइट का जो फ्लोर है टाइल्स घर में लगा हुआ है उस फ्लोर पे ग्लास का बॉल ऐसे रिलीज करना है और यह है इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में बॉल्स आएगा और आकर के फिर से वापस ऐसे वापस बैक वहीं पे वापस चला जाएगा ऐसे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ एनर्जी ऐसे आएगा नीचे आया आने के बाद फिर वो रिबॉन्ड करेगा वापस चला जाएगा ऐसे फिर उसी जगह पहुंच जाएगा आपको ठीक है मान लीजिए हमारा पॉइंट हुआ ए पॉइंट हुआ ए से रिलीज कर रहे हैं बी तक आया बी के बाद सी तक गया और मुझे अगर इसका ग्राफ पढ़ना हो इसका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्सेस टाइम अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और टाइम इसका ग्राफ पढ़ना हो तो आप जानते हैं आने वाला ग्राफ तो पता है आने वाला ग्राफ पढ़ा हुआ आपका तो ऐसे आप प्लान करेंगे ए ऐसे वो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे हो गया फिर वापस ऐसे तो ए है ये पॉइंट है ऐसे गया बी पॉइंट तक आया बी पॉइंट यहाँ बी पॉइंट के बाद जस्ट वापस वापस बैक सी पॉइंट पे फिर से कनेडिक एनर्जी जीरो स्पीड जीरो होगा इलास्टिक कोलिजन है इलास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी का कोई कहीं लॉस नहीं है जिस एनर्जी से आया उसी एनर्जी से वापस चला गया देखिए ये सब पढ़ा हुआ है कोई नया नहीं है आपका ठीक है नया ये भी नया नहीं है ये भी नया नहीं है पढ़ा हुआ है बट यहाँ कोलिजन में ये क्वेश्चन है आई एडवांस का क्वेश्चन है अब देखिए आप तो आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा क्योंकि हम लोग डी मोशन में ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो ये है हम लोग का जो ग्लास बॉल है उसके जगह रबर बॉल रबर बॉल रिलीज़ फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये रबर का बॉल है ये है रबर का बॉल है इक्वल टू जीरो ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट और ये हार्ड फ्लोर है सो so, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन विथ हार्ड फ्लोर तो हार्ड फ्लोर पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और ये आईडी एडवांस में पूछा गया था क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है कि ये कैनेडिक एनर्जी ये येडिक एनर्जी वर्सेस टाइम इसका ग्राफ चाहिए देखिए ध्यान से से समझिए ये पॉइंट पॉइंट है है ए वो ठीक आप रिलीज कर रहे हैं से ठीक है वो आएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जाते ही इसमें कोलिजन होगा ठीक है यहाँ आया और यहाँ बॉल का कोलिजन होगा ऐसे ठीक है ऐसे देखिए कोलिजन हुआ ठीक है अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कैसे डिफरेंट डिफरेंट है दोनों क्वेश्चन तो समझिए आप ग्लास बॉल सब लोग बचपन में ग्लास के बॉल से खेलते थे हम लोग ग्लास बॉल क्या है हार्ड होता है वेरी हार्ड और वो जो रबर वाला बॉल है रबर वाला बॉल स्पंजी होता है ऐसे स्पंज की तरह होता है ऐसे दबते रहता है ठीक है तो ये काफ़ी हार्ड है हार्ड है का मतलब ये आया कोलाइड हुआ बी पॉइंट से ऐसे लौट गया ठीक है वो हो गया आपका वो ग्राफ करेक्ट है बट अगर वो रबर का बॉल है तो रबर के बॉल में देखिए जब कोलिजन होगा कोलिजन होते हैं देखिए ऐसा रबर का बॉल जो होता है स्पंज ही होता है स्पंज का रहेगा तो जैसे ही लड़ेगा कोलिजन हुआ कोलिजन होते ही आपको मैंने सिखाया था ग्राफ में कि सबसे पहले डिफॉर्मेशन होगा फिर रिकवरी होगा फिर वापस लौटेगा तो देखिए यहाँ पे क्या होना शुरू करेगा जैसे ए पॉइंट से आया बी पॉइंट पे आया बी पॉइंट पे लड़ा जस्ट बिफोर लड़ने से पहले अब देखिए यहाँ पे डिफॉर्मेशन अब ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे जैसे क्योंकि उसमें स्पंजी है स्पंजी है तो जैसे ही अर्थ लड़ेगा तो कुछ सेकेंड के लिए बहुत कम मैंने बताया कि स्मॉल टाइम के लिए जो होता है एक्सेस फोर्स लगता है तो कोलिजन जैसा है जैसे ही ये लड़ेगा लड़ते ही डिफॉर्मेशन जस्ट स्पंज है दबेगा ठीक है फिर डिफॉर्मेशन के बाद फिर से रिकवरी रिकवरी शुरू कर जाएगा फिर देखिए ऐसे ऐसे रिकवरी शुरू करेगा तो डिफॉर्मेशन हुआ और फिर रिकवरी रिकवरी के बाद जैसे रिकवरी होगा वो पूरा ऐसे रिकवर कर जाएगा रिकवर करने के बाद फिर से वो वापस लौटेगा वापस लौटेगा उसी जगह पे फिर वापस आ जाएगा क्योंकि तो कोलिजन है इलास्टिक कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो ये देखिए ये रबर का बॉल ग्लास का बॉल तो ग्लास का बॉल हार्ड है वेरी हार्ड है तो उसमें कंप्रेशन नहीं होगा बट रबर का बॉल जो रहता है रबर का बॉल जो होता है वो कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही लड़ेगा ऐसे लड़ा लड़ते ही अर्थ से लड़ते ही ये जस्ट कंप्रेशन होने लगेगा ये इस टाइम को बोलते हैं द डिफॉर्मेशन टाइम उसके बाद डिफॉर्मेशन हुआ ऐसे गया नीचे अंदर फिर वो धीरे धीरे ऐसे रिकवर करना शुरू करेगा रिकवरी करते करते फिर ये पूरा का पूरा रिकवर कर जाएगा पूरा स्फेयर बनेगा वापस लौट आएगा यहाँ पे तो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट हुआ ये सब बी पॉइंट हुआ यहाँ से और फिर वापस लौट गया वहाँ पे फाइनली नो लॉस ऑफ एनर्जी तो उसी हाइट तक पहुँचाएगा आपको तो यहां देखिए यहां पे ग्राफ जब पढ़ेंगे ये आई एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला एडवांस का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कोई ये नया नहीं है क्वेश्चन हम लोग का क्लास में पहले ही पढ़ा हुआ है ये सिंपल एग्जाम का हो गया जैसे मेडिकल में कोई आएगा चाहे आई मेन में भी ये क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल है आई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ये ग्लास बॉल के जगह आपको वहां डाल देंगे रबर का बॉल जिसमें आपको समझना है कोलिजन का कॉन्सेप्ट कि पहले होता है डिफॉर्मेशन देन होता है रिकवरी और उसके लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ऐसा इस तरह से ग्राफ ए से बी गया देखिए ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक गया ठीक है बट बी पॉइंट पे कुछ सेकंड के लिए देखिए यहाँ पे यहाँ से आया इस जगह पे यहाँ पे कुछ देर के लिए वैलिसिटी well क्या हुआ जीरो ऐसे क्योंकि जब रिकवर जैसे तो गाड़ी लड़ा पहले तो हाई स्पीड से दोनों चल रहा था लड़ा तो लड़ते ही कोलिजन होते ही दोनों गाड़ी रुक जाएगा रुकेगा कुछ ही सेकंड के लिए वही कोलिजन टाइम है कुछ सेकंड के लिए गाड़ी रुकेगा फिर उसके बाद डिफॉर्मेशन के बाद रिकवरी होगा फिर गाड़ी अपना चल देगा आगे तो यहां से देखिए ऐसे ऐसे करना है कि कुछ सेकंड के लिए यहां पे स्पीड जीरो देखिए पे कुछ सेकंड के लिए कुछ कोलिजन जब होगा तो यहां स्पीड जीरो जब स्पीड जीरो होगा यहां बी पॉइंट पे स्पीड जीरो होगा तो स्योर कैनेडिक जीरो एनर्जी जीरो और फिर उसके बाद उसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगा रिकवरी के बाद फिर वो ग्राफ ऐसे तो ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट ये तो पॉइंटी एडवांस में था क्वेश्चन उसका ग्राफिकल फॉर्म ऐसा रहेगा ठीक है इस टाइप का था पहले पढ़ा हुआ हम लोग तो का तो कोलिजन का फंडामेंटल जो बेसिक डिफिनेशन की एक आइसोलेटेड इवेंट है लार्ज फोर्स लगता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करना है और यहाँ आपको बताना है कि ये जो मैंने बनाया है यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये ये फिर यहाँ से यहाँ तक यह डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन टाइम यहाँ कुछ सेकंड के लिए ही है डिफॉर्मेशन टाइम फिर उसके बाद रिकवरी होने लगेगा फिर रिकवरी टाइम तो रिकवरी टाइम होगा फिर फाइनली ग्राफ ऐसा तो ये तो हो गया कोलिजन का डिफिनीशन नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वन डी कोलिजन टू डी कोलिजन फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलेज रेस्टिट्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा आसान है बस फिगर से आप प्रेजेंट कर दीजिएगा वन डी दी कॉलेज सेकेंड पॉइंट में वन डी एंड टू डी कॉलेज वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कोलिजन जो कि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है टू डी का भी क्वेश्चन रहेगा और वन डी कोलिजन का भी क्वेश्चन होता है देखिए वन डी कोलिजन इतना आसान है नंबर वन वन डी कोलिजन इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन कोलिजन सो वन डी कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन ऐसा वन कोलिजन में जैसे मान लीजिए एम वन है ये एम वन है जिसका स्पीड है यू वन स्पीड यू वन है और ये है एम टू है जिसका स्पीड है यू टू ऐसा यू टू और ये है एम वन आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड हुआ वी वन और ये है एम टू कोलिजन स्पीड हुआ यह यह है यह यह है और यह फिगर है आफ्टर यहां पे u1 तो बड़ा होगा और U2 से अगर कोलिजन होना है तो, तो ए, यही तो है वन डी कोलिजन जो भी लाइन ऑफ मोशन ब्लॉक्स का है वो एक ही एक्सेस पे होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे ये अलॉन्ग द एक्स एक्सेस तो एक्स एक्सेस की तरफ ही, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ मोशन रिमेन सेम ठीक है एंड वन डी कोलिजन एंड वन डी कोलिजन द लाइन ऑफ मोशन रिमेन सेम सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सो ऐसे लिख लेंगे छोटा सा लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन तो लाइन ऑफ मोशन रिमेन से वन डायमेंशनल रहेगा तो ये एक ही डायमेंशन में बस मोशन ब्लॉक चल रहा है तो इसको वन डी कोलिजन बोलते हैं और कई क्वेश्चन में टू डी टू डी कोलिजन में ऐसा कुछ होता है या टू डायमेंशनल कोलिजन टू डाइमेंशनल कोलिजन ये एक्स एक्सेस है और ये y एक्सेस है ये ब्लॉक है m1 इसका स्पीड है यू वन यू वन बड़ा है यू टू से और एक ब्लॉक है m2 टू टू है और जिसका स्पीड है यू टू ये देखिए ये है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन पता चला कि ये ऐसे चल रहा है ये इधर गया एम वन है एम वन हुआ और ये चल रहा है ऐसे वी वन स्पीड से और ये है एंगल अल्फ़ा अल्फा एंगल और ये है एम टू एम टू है ऐसे चला ये स्पीड है वी टू स्पीड है और ये एंगल है बी इस तो ऐसे कोलिजन को टू कोलिजन कि ये एक्स वाई प्लेन ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है बिफोर कोलिजन ऐसा रहा और आफ्टर कोलिजन दो दोनों ऐसा इधर की तरफ कोई अल्फा कोई बेटा कोई एक्स की तरफ गया कोई वाई की तरफ गया अलग अलग एंगल दिया रहता है तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि बिफोर कोलिजन ऐसे रहा आफ्टर कोलिजन जो एक्स प्लेन में ऐसे मुड़ गया कोई एक्स की तरफ गया या कोई वाई की तरफ गया कोई एक्स वाई प्लेन में दोनों एंगल बे, अल्फा बेटा गिवन बन रहेगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं समझाऊंगा तो यह है बिफोर कोलिजन यह है आफ्टर कोलिजन तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन Next types of collision, third point types of collision. इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन सो हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं नंबर वन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो इलास्टिक कोलिजन कहिए या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऐसे तो थ्री टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ना आपको क्या इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इसी को इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ आपका तो देखिए इस कोलिजन में ठीक है यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होता ठीक है एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है ठीक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है इसमें और भी कई कंडीशन है रेस्टिट्यूशन पे भी डिफाइन करते हैं कि इस केस के लिए रेस्टिट्यूशन एक टर्म लिख लीजिए मैं इसके बाद डिफाइन करूंगा रेस्टिट्यूशन तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई ई रेस्टिट्यूशन ये हर एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन जो होता है वो इक्वल टू 1 ये 1 के बराबर होता है

मान लिए एम वन है यह है यू वन स्पीड से चल रहा है यहां एम वन है ये चल रहा है वी वन स्पीड से यह है एम टू और यह स्पीड है इसका यू टू और यह है एम टू इसका स्पीड है V2, वी टू ठीक है तो यू वन U1 बड़ा है U2 से ठीक है ऐसे ठीक है तो यह है बिफोर कोलिजन ठीक है बिफोर कोलिजन और यह है आफ्टर कोलिजन तो कुछ एनर्जी से आप समझिए एनर्जी से समझिए कि इन तीनों को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा जस्ट एक एनर्जी का डाटा मैं ले रहा हूं यह बस सिखाने के लिए है ये ये एग्जैक्ट नहीं है बस मैं आपको सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ मान लीजिए कि इसका एनर्जी है इसके पास एनर्जी है 15 जूल इसका एनर्जी 15 जूल है इसका एनर्जी 10 जूल है ऐसा ये एनर्जी 10 जूल है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा एनर्जी का एक्सचेंज करेगा स्पीड इधर उधर मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा वो होगा जैसे कि मान लीजिए आफ्टर कोलिजन इसका जो हो गया ये थर्टीन जूल हुआ और ये ट्वेल्व जूल हो गया तो आप टोटल एनर्जी देखेंगे टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी 25, आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी 25 है तो कोलिजन से पहले और बाद में एनर्जी कंजर्म रहेगा यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है तो आप देखेंगे कि इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इनिशियल टोटल एनर्जी जो है इनिशियल जो हुआ वो है ट्वेंटी जूल ये और फाइनल देखेंगे यहाँ पे आपका देखेंगे कि फाइनल एनर्जी ये एनर्जी फाइनल एक्सचेंज होगा एक दूसरे में एक्सचेंज करेगा ताकि स्पीड एक का दूसरा में चेंज करेगा स्पीड बढ़ेगा घटेगा वो होगा बट एनर्जी का लॉस नहीं होता है ये है ट्वेंटी फाइव 25 ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फाइव ही रहेगा एनर्जी लॉस नहीं होता है मतलब अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन का वैल्यू वन ये रेस्टिट्यूशन वन होगा एनर्जी एक्सचेंज होता है बट लॉस नहीं होता एनर्जी का लॉस नहीं होगा ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में दूसरे बॉडी पे चला जाएगा बट लॉस नहीं है इसका 15 है तो इसका घट सकता है बढ़ सकता है घट करके ये हो गया 10 से बढ़ करके ये हो गया तो बिफोर आफ्टर कोलिजन में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा बट एनर्जी लॉस नहीं होगा ऐसे कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट सेकेंड इन इलास्टिक कोलिजन सो इन इलास्टिक कोलिजन सो so, इसमें रजिस्ट्रटन का जो वैल्यू है वो वेरी करता है जीरो टू ई और वन के बीच में यहाँ रजिस्ट्रटन जो होता है इन इलास्टिक कोलिजन में ये जीरो एंड वन के बीच में ये वेरी करते रहता है फिगर वही है अगर फिगर देखेंगे तो ये वही है बट इसमें होता क्या है जैसे समझिए ये है आपका 15 है और ये 10 है और ये आफ्टर कोलिजन जो हो गया मान लीजिए 13 हो गया और ये वाला हो गया मान ली यहाँ पे यहाँ पे हो गया ये 12 हो गया जूल हो गया और ये वाला जो है आपका जस यहाँ पे है आपका 11 जूल हो गया 11 जूल ऐसा हो गया तो इस केस में इनिशियल एनर्जी तो 25 फाइव था फाइनल एनर्जी देखेंगे तो ट्वेंटी थ्री हो गया मतलब स्मॉल थोड़ा सा एनर्जी लॉस करेगा अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कंजर्व नहीं करेगा ई का वैल्यू जो है ई का वैल्यू लाइज करता है जीरो एंड ई का वैल्यू लाइज करता है वन के बीच में थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी कितना लॉस हो रहा है उसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव करेंगे उसमें बट यहाँ एनर्जी लॉस होता है थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग वी वन वेडो के लिए फॉर्मूला बनाएंगे ये वन डी है बट इन इलास्टिक कोलिजन में स्लाइटली हल्का सा एनर्जी स्लाइटली लॉस इन एनर्जी हल्का सा ही दो ही यूनिट लॉस हो रहा है बट हल्का सा ही लॉस होता है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है ठीक है एक अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो जीरो एनर्जी लॉस वहां एनर्जी लॉस होता ही नहीं एनर्जी इनिशियल फाइनल कंजर्व रहेगा यहाँ इनिशियल फाइनल कंजर्व नहीं रहेगा स्लाइटली एनर्जी लॉस तो एनर्जी लॉस जो है वो यहां डेल्टा ई इनिशियल माइनस फाइनल जो है आपका टू जूल का ये है एनर्जी लॉस हल्का सा स्लाइटली एनर्जी लॉस करेगा तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बस आपको समझाने के लिए किया है ये नहीं कि आप इसका डाटा है टेन है फिफ्टीन है ट्वेल्व इलेवन ये नहीं बस मैंने एक डाटा ले लिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे इलास्टिक इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एक में एनर्जी का लॉस नहीं था एक में है स्लाइटली हल्का सा एनर्जी लॉस है लेट मान लीजिए ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक डाटा लिया है ऐसा इस तरह से एक डाटा आपको समझाने के लिए लिया हुआ है ये नेक्स्ट अगर आप परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर आप परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन जो होगा उसका वैल्यू जीरो हो जाता है यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ई e का वैल्यू जो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक में वो जीरो हो जाएगा और इस केस में क्या होता है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो उस केस में ये जो ब्लॉक्स हैं ये दोनों ब्लॉक्स जो होगा आफ्टर कोलिजन कंबाइन कर जाएगा ये ब्लॉक्स आपका अटैच हो जाएगा एक दूसरे से ऐसे कम्बाइंड कर जाएगा एक बड़ा ब्लॉक बन जाएगा बड़े ब्लॉक का मास हो गया एम वन प्लस एम टू और इसका स्पीड जो हो जाएगा वो वी तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे दो बॉडी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो पीछे से जैसे हिट करेगा वो दूसरे बॉडी से सट जाएगा पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा दोनों कंबाइंड करके एक सिंगल बॉडी हो जाएगा और इस केस में एक्सेस एनर्जी लॉस होता जब कोलिजन हुआ और एक दूसरे में बॉडी जाके सट गया बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम केस बोलेंगे एक्सेस एनर्जी लॉस होता।, होता है ठीक है जैसे एक्सीडेंट होता है देखिए रोड पे एक्सीडेंट होता है ठीक है तो दो कार है हल्का सा टच किया तो हल्का सा टच किया तो थोड़ा थोड़ा कार में दोनों कार में डेंटिंग आ जाएगा एक कार दूसरा कार में थोड़ा थोड़ा डेंटिंग होगा बट ह्यूमन बॉडी का लॉस नहीं होता वो कार में जस्ट डेंटिंग होगा वो लोग दोनों लोग अपना अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं ठीक है दोनों लोग अपना कार को अपना व्यू वी एंड वीडो स्पीड से ले चले गए ठीक है थोड़ा सा जस्ट का थोड़ा बातचीत होता है कि किसने किसको एक्सीडेंट किया बट एक ह्यूमन बॉडी का लॉस नहीं होता वो चले जाएंगे दोनों फाइनली कार चलते रहेगा रुकने के बाद थोड़ा सा बात करेंगे फिर उसके बाद कार लेकर चले जाते हैं बट कभी कभी हाईवे पे देखते हैं कि इतना इतना मतलब एक्सट्रीम केस में कोलिजन हुआ कि मान ली कोई ट्रक आया ट्रक पीछे से जस्ट कार को जो है कोलाइड किया और पूरा कार जो है ट्रक के अंदर जस्ट घुस के पूरा कार और ट्रक एक जैसे एकदम पूरा पूरा एकदम मतलब एक दूसरे से कंबाइन किया तो उस केस में जब होता है कि हार्ड बहुत मतलब एक्सट्रीम केस जो कोलिजन हुआ उस केस में जो हुआ ह्यूमन बॉडी का भी डेथ हो जाता है ठीक है तो उसमें एनर्जी लॉस के इतना ज़्यादा एक्सेस एनर्जी लॉस हुआ कि दोनों कार एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा कंबाइन करने के बाद एक कॉमन स्पीड से चलने लगेगा ले इसमें एनर्जी लॉस होता है जैसे ये है आपका फिफ्टीन है यह है टेन जूल है तो ये डाटा मैं अपने मन से बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ तो इस केस में पता चलेगा कि इस केस में जो है फाइनल एनर्जी देखेंगे तो फाइनल एनर्जी जो है वो सिक्सटीन जूल सेवेंटीन जूल कुछ ऐसा हुआ एक्सेस एनर्जी लॉस हुआ देखिए इनिशियल है ट्वेंटी फाइव फाइनल है सिक्सटीन जूल ये सिक्सटीन जूल और ये कभी बराबर नहीं हुआ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हुआ एनर्जी लॉस देखेंगे इन दोनों में से घटाएंगे तो एनर्जी लॉस जो हुआ वो नाइन जूल तो नाइन जूल का मतलब यहाँ एक्सेस एनर्जी लॉस ये बस मैंने डाटा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि इस केस में एक्सेस एनर्जी लॉस हुआ ई का वैल्यू यहां पे इस केस में ई का वैल्यू जो हो गया वो जीरो हो गया ऐसा तो इस तरह इसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन के हेल्प से बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये हुआ और एनर्जी डाटा से बस ये तो डाटा मैंने अपने मन से लिख दिया है यहाँ 16 की जगह 17 भी कर सकते हैं 18 भी कर सकते हैं बस दिखाना है कि इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू इन इलास्टिक कोलिजन से और दोनों बॉडी एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा ये हो गया आपका नेक्स्ट मैं रेस्टिट्यूशन समझा देता हूँ रेस्टिट्यूशन या कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन Fourth point. Fourth point. So restitution. E. The नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कर लीजिए एम वन यू वन एम वन वी वन यह है एम टू यू टू v2 टू यहां यू वन जो है वो फास्ट चलेगा यू टू से यह है बिफोर कोलिजन यह है आफ्टर ऐसे ठीक है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये हो गया आप थोड़ा रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन के बारे में आप मुझे बताइएगा ठीक है जस्ट नंबर टू इसको देख के बताइए बिफोर कोलिजन M1 है और ये हाई स्पीड से चल रहा है ये U1 स्पीड से और M2 है वो ये स्लो स्पीड से चल रहा है ये U2 स्पीड से ठीक है ऐसा ये बिफोर कोलिजन हम लोग बातें कर रहे हैं बिफोर कोलिजन तो बिफोर कोलिजन आप मुझे बताएंगे कि यहां स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ अप्रोच पढ़े हुए हैं आप रिलेटिव मोशन में रिलेटिव मोशन में स्पीड ऑफ अप्रोच तो अप्रोच में ये तेज चल रहा है ये देख रहे हैं आपने बताया कि u1, u1 तेज चल रहा है u2 से तो स्पीड ऑफ अप्रोच पढ़ा हुआ है u1 वन माइनस यू ऐसे ठीक है ये है स्पीड ऑफ अप्रोच ठीक है नेक्स्ट है हमें स्पीड ऑफ सेपरेशन जो आफ्टर कोलिजन जो फिगर आफ्टर कोलिजन है उसमें आप निकालेंगे स्पीड ऑफ सेपरेशन देखिए सो आफ्टर कोलिजन ये है M1, वन ये है V1, वन एम टू यह हो और हम लोग बातें कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन सो so, यह है स्पीड ऑफ अप्रोच यहां पे हमें बात करना है स्पीड ऑफ सेपरेशन तो स्पीड ऑफ सेपरेशन आप पढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन देखिए ठीक है वीडू माइनस वी वन सेपरेट हो रहा है वो भाग रहा है वेडुक वेडुक तेज भाग रहा है वो एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी है तो v2 और माइनस अब v1 ये है स्पीड ऑफ सेपरेशन ऐसे गे डेरिवेशन जो होता है वो स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच का रेशियो है ये तो रेस्टिट्यूशन इस टॉपिक में काफी यूज होगा तो वो स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच का ये रेशियो है सो फोर्थ पॉइंट सो रेस्टिट्यूशन या इसको लोग कॉफिस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं कॉफिस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सो रेस्टिटन या कॉफिस्टेंट ऑफ रेजिस्ट्रूशन तो ये ईच होता है ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच सो स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच रेस्टिशन का ये मीनिंग नौ no. इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ सेपरेशन सेपरेशन का मतलब हुआ वी टू माइनस वी वन और डिवाइड बाय यू वन माइनस यू टू ऐसे इस तरह से ये. इसको और भी तरीके से कई बुक में इसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन निकाल दीजिए इसमें से तो माइनस साइन करेंगे यहाँ पे तो ऊपर में आ जाएगा वी टू माइनस वी वन ये तो है ही और नीचे में आएगा यू टू माइनस माइनस साइन हटाइएगा तो एस तो माइनस साइन जैसे हटाइएगा वी टू माइनस वी वन और यू टू माइनस यू वन तो इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये ठीक है देखिए इसका ये v2 टू माइनस वी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन और u2 टू माइनस वी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिशन तो आप यहां पे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं चाहे आप चाहे प्लस साइन लेंगे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं तो इस तरह से भी आपको कई बुक में मिलेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी

ये है ई e के लिए ऐसा ऊपर में भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी तो ई e एक यूनिटलेस नंबर है ई यूनिटलेस नंबर कोई इसका यूनिट नहीं होता यह नंबर जो है वो लाइज करता है जीरो टू ई लाइज बिटवीन वन ऐसे अगर इलास्टिक कोलिजन होगा ई e का वैल्यू वन होता है फिफ्थ पॉइंट फॉर इलास्टिक कोलिजन का वैल्यू वन और आपको जरूरत पड़ेगा ई का वैल्यू ई का मतलब होता है आप जानते हैं वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू तो आपको जरूरत पड़ेगा अगर ई का वैल्यू वन लेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए तो ई का वैल्यू अगर वन फुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी टू माइनस वी वन मस्ट बी इक्वल टू यू वन माइनस यू टू तो आपको जो फॉर्मूला डिराइव करते समय इसका जरूरत पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन जीरो बीच में लाइक करेगा फॉर इन इलास्टिक कोलिजन कोलिजन so, अगर इन इलास्टिक है तो ई e का वैल्यू जो होगा वो लाइज like करेगा जीरो एंड वन के बीच में और इसमें भी फॉर्मूला डिवाइड डायरेक्ट करना है वी वन वी टू के लिए तो ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे ऐसे और नेक्स्ट फोर परफेक्टली इन इलास्टिक ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा सो so नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई e, e का वैल्यू जो है वो जीरो हो गया और ई e का वैल्यू जैसे ही जीरो हुआ आप जानते हैं v1 और v2 इक्वल हो जाएगा तो कॉमन स्पीड हो जाएगा वन इक्वल टू वी टू तो यह रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन के बारे में जानना था क्योंकि आगे, आगे आपको फॉर्मूला डिराइव करना है v1 v2 वी टू इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए तो उसमें यह जरूरत पड़ेगा आपको फिफ्थ पॉइंट देखिए जो तीनों कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो या परफेक्ट इन इलास्टिक हो तीनों कोलिजन में लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा एनर्जी कंजर्व फर्स्ट वाले में सिर्फ है इसमें एनर्जी लॉस होता है इसमें भी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है बट लिनियर मोमेंटम हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहता है सो फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन किसी भी टाइप का पोलिजन हो सो पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल सो लिनियर मोमेंटम कंजर्व लिनियर मोमेंटम इट्स कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ पोलिजन सो so मोमेंटम हर एक हर एक कोलिजन में कंजर्व रहेगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हर एक में कंजर्व है एनर्जी सिर्फ एक में कंजर्व है बाकी लिनियर मोमेंटम तो हर एक में कंजर्व रहता है क्योंकि जब कोलिजन होता है तो देखिए कोलिजन होने पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है आप जानते हैं कि जो कोलिजन हो रहा है किसी भी टाइप का कोलिजन हो ऐसा तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन आप जानते हैं कि एम वन हुआ और ये एम वन हुआ और ये चल रहा है स्पीड यू वन से और ये है आपका एम uh, वन है फाइनल कोलिजन के बाद ये चल रहा है स्पीड वी वन सेवेंड यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ ऐसे तो ये है आप जहाँ पे कि एम वन है ये है एम वन कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए, ऐसे देखिए यह है एम टू और यहाँ स्पीड है यू uh, टू और कोलिजन के बाद ये है एम टू स्पीड है ऐसा। ये है ऐसा। ऐसा। तो यह बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन और बिटवीन कोलिजन ये कोलिजन जो है जहां पे हो रहा है यहां पे दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कोलाइट कर रहे हैं तो कोलिजन ठीक है तो कोलिजन जब होता है ये जो कोलिजन टाइम है जहां पर डिफॉर्मेशन होता है फिर रिकवरी होता है तो यहां एक्सेस फोर्स लगता है ये इस पर फोर्स लगा देखिए ऐसे बोला जाता on है फोर्स ऑन वन बाई टू वन पे फोर्स है टू ने और एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन टू बाई वन फोर्स ऑन टू बाई वन ये कोलिजन जब होता है तो एक्सेस फोर्स लगेगा दोनों ब्लॉक पे ठीक है फर्स्ट वाले ब्लॉक पे दूसरे ने लगाया दूसरे वाले ब्लॉक पे फर्स्ट ने लगाया बट ये दोनों फोर्स क्या है इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल नहीं है सब इंटरनल फोर्स है जैसे जैसे स्टार्ट तो वो इंटरनल फोर्स है ये फोर्स जो देख रहे हैं ये कोलिजन के टाइम पे ये है इंटरनल फोर्स इंटरनल फोर्सेस ठीक है तो कोलिजन पे आप बात करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स ठीक है एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है कोलिजन पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है जीरो कोलिजन पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो जीरो है ये इंटरनल हुआ इंटरनल फोर्स और फोर्स का मतलब आप जानते हैं कि आर डी पी बाई डी टी फोर्स जो न्यूटन सेकेंड लॉ ये जीरो हुआ इसका मतलब डी पी डी पीजल टू जीरो इसका मतलब पी पी इजकॉल टू कॉन्स्टेंट ये लिनर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है हर टाइप के कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हर एक कोलिजन में सेम रहेगा क्योंकि कोलिजन में इंटरनल फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें इसमें कोलिजन में कहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप जानते हैं कि ये बिफोर कोलिजन यह है आफ्टर कोलिजन तो ये फंडामेंटल रिजल्ट हो गया कोलिजन के लिए कि कोलिजन को डिफाइन करना था ग्राफिकल फॉर्म में फोर्स एंड टाइम के फॉर्म में देन कोलिजन वन डी कोलिजन होता है टू डी कोलिजन होता है इलास्टिक है इन इलास्टिक है परफेक्टली इन इलास्टिक है कोलिजन के टॉपिक में रेजिस्ट्रूशन आएगा रजिस्ट्रूशन का मतलब क्या है आपका कैसे डिफाइन करना है न उसके बाद हर टाइप के कोलिजन में लीनर मोमेंटम कंजर्व होगा अब हम लोग का नेक्स्ट थ्योरी रहेगा कि हमें निकालना है वी वन हमें निकालना है वे टू वी वन वे टू कैल्कुलेट करना है फोर इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में तीनों केस में वी वन वी टू निकालना है